5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अच्छे दिन है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% तक पहुंच गया, इस देश के भीतर में महंगाई चरम पर होगी, चरम पर है। इस देश के भीतर में कंज्यूमर की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? आपसे गंभीर गुफ्तगू नहीं हो सकती। बताइए, रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? हाल ही में जीडीपी के नए आंकड़े सामने आए हैं। एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यानी कि 2020-2021 वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। जब से देश आजाद हुआ है इतना बुरा जीडीपी ग्रोथ रेट कभी नहीं हुआ। इस पर आगे बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं सरकार ने जो हमें सपने दिखाए थे उनकी। मोदी जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाने की बात की थी। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और अब आत्मनिर्भर भारत, इन सब पर सरकार जोर दे रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का वादा भी इसी सरकार ने किया था। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन। और अब देश की स्थिति क्या है उस पर बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जीडीपी में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। जब से देश आजाद हुआ है तब से इससे ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। इससे पहले कितनी बार जीडीपी की सालाना दर नेगेटिव में रही, इसके बारे में अधिक जानकारी ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में दी। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में सिर्फ 5 बारी गया है। इनमें से पिछली 2 बारी ही मेजर टाइम्स थे। एक 1965-66 में जब देश का जीडीपी -2.6% चला गया था, इसके पीछे रीजन था कि देश पाकिस्तान के साथ एक जंग पर था और उसी वॉर की वजह से देश की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी। और दूसरा 1979-80 में जब देश का जीडीपी -5.2% चला गया था, इसके पीछे 2 मेन रीजन थे। एक था कि देश में ड्राउट आ रखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से, और दूसरा ईरान में रेवोल्यूशन हुई थी जिसकी वजह से देश की पेट्रोलियम सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। और इन दोनों इवेंट से भी बुरा इवेंट आता है अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% तक पहुंच गया। पूरी दुनिया भर में 166 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गया है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन 28 ऐसी भी कंट्रीज है जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रहा। इसमें है चाइना, ताइवान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्री। अब यहाँ पर सरकार पूरा दोष कोरोना पेंडेमिक पर लगाना चाहेगी, पर आंकड़ों की माने तो पेंडेमिक से पहले भी जीडीपी दर धीरे धीरे गिर रही थी। इसमें अच्छी बात ये है कि पिछले क्वार्टर का जो जीडीपी रेट था वे पॉजिटिव रहा, और अगर देश में कोरोना की थर्ड वेव तबाही ना मचाए तो अगले वित्त वर्ष में जीडीपी दर का पॉजिटिव में रहने का अनुमान है,
जीडीपी के नेगेटिव में रहने पर कुछ सवाल वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी उठाए कि इस देश के भीतर की स्थिति बनी क्या। कोर सेक्टर में जो 8 प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, कोल होता है, फर्टिलाइजर होता है और क्रूड ऑयल होता है। इसमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पॉजिटिव में हो, सभी नेगेटिव में। -6.4 क्रूड ऑयल है तो सबसे कम -4.5 फर्टिलाइजर है। मैक्सिमम 82.8 और 85.2% स्टील और सीमेंट है। ये माइनस में इस देश के भीतर में। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर कोर प्रोडक्ट्स का ये हाल है तो ऐसे में इस देश के भीतर में तो रोजगार कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं है। इस देश के भीतर में महंगाई चरम पर होगी, चरम पर है। इस देश के भीतर में कंज्यूमर की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं है। इस देश के भीतर में जो आम नागरिक है उसने जो भी पैसा बैंकों में जमा कर रखा होगा या भविष्य निधि का होगा वो उसको निकाल रहा होगा, यकीनन वो उसको निकाल रहा है और ये तादाद करोड़ों में पहुंच गई है। इन सारी परिस्थितियों के भीतर अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ता चला गया कि अब ये कहना पड़ रहा है इस देश में दो ही सेक्टर बचे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए IT सेक्टर, उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहीं पर है तो वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। इस स्थिति में भारत की GDP या भारत की इकोनॉमी को लाकर खड़ा कर दिया गया है। GDP के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर GDP के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। GDP कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियों पैदा होने की रफ्तार में भी कमी आ जाती है, वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण ने साल 2020 के दौरान 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संकट को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। देश में कोरोना केस बढ़ने और कई राज्यों में लॉकडाउन लगने का असर अब रोजगार पर पड़ रहा है। भारत के कई राज्यों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने आंकड़े जारी किए हैं। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत के बजाय शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी पनपी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ सवाल वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपनी वीडियो के जरिए उठाए। ये जो बेरोजगारी है इस वक्त, ये भी किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, और ये सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा। जी हां, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है दोस्तों, फिर से रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे चिंतित करने वाली बात है। उसके बाद असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? क्या सरकार का अपना कोई प्लान है कि बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से संबोधित किया जाए, या इसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए आप मुद्दों को भटकाते रहेंगे? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, GDP नेगेटिव में है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार से मीडिया अब सवाल क्यों नहीं कर रहा? इन मुद्दों पर बात करने के बजाय देखते हैं कि मीडिया किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। ऐसी बुजदिल फौज पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के साथ क्यों मजाक कर रही है कश्मीर में अशांति फैलाकर? क्या पाकिस्तानी अरब से आए थे या 1947 से पहले हिंदुस्तानी थे? बताइए ना, आपसे गंभीर गुफ्तगू नहीं हो सकती। बताइए, रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? यूनाइटेड किंगडम में तो मोदी की सरकार नहीं है, अमेरिका में तो मोदी की सरकार नहीं है, इटली में तो मोदी की सरकार नहीं है, यूरोप में तो मोदी की सरकार नहीं है, पाकिस्तान में तो मोदी की सरकार नहीं है, तो वहां क्यों कोरोना आ गया है? कोरोना मिशन में भी कमीशन, यहां तो बख्श देते। मतलब कोरोना मिशन में भी कमीशन। राहुल जी, क्या बच्चों की वैक्सीन बेच दी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज ये साफ कर दिया कि जो वो कह रहे थे जब वो राष्ट्रपति थे वो सही था, कि कोरोना का चीन से गहरा कनेक्शन। दुनिया कब लेगी ड्रैगन पर एक्शन? फैंटेसी बोलने लगे आप, कहानियां लिखने लगे हैं, हकीकत नहीं बोल रहे, ये न्यूज चैनल है, यहाँ पर हकीकत चलती है। बेरोजगारी पर ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किया। अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। कुछ सीनियर पत्रकार और विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है, पर ऐसे सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिल रहे।
मेनस्ट्रीम मीडिया और ही मुद्दों पर बात करने में व्यस्त है। हम उम्मीद करते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारी समझेगा और देश की समस्याओं को सरकार के सामने उठाना शुरू करेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।